जो गड्ढा पाकिस्तान ने भारत के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में आज पाकिस्तान खुद गिर गया है। पाकिस्तान पर साल 2023 का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला था कि खुदकुश हमलावर ने ट्रक के अंदर 100 किलोग्राम बारूद भरा हुआ था और बारूद से भरा हुआ ये पूरा ट्रक देखते ही देखते आर्मी बेसमेंट से जाकर टकरा गया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच गया। बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान की सरकार मारे गए सैनिकों के आंकड़े को छुपाने में जुट गई है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे 3 नवंबर को जब पाकिस्तान के अंदर पंजाब की मियांवाली में आतंकवादी हमला हुआ था, तब पाकिस्तान ने सच्चाई को छुपाते हुए एयरबेस पर हुए नुकसान को बहुत कम करके बताया था। लेकिन बाद में इंटरनेशनल रिपोर्ट से ये बात सामने आ गई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। आखिर पाकिस्तान की सरकार मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले की असलियत को छुपाने में क्यों जुट गई है? आखिर कैसे पाकिस्तान लगातार अपने हजारों सैनिकों को आतंकवादी हमले में खो रहा है? और क्या अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार आतंकवादियों को अमेरिकी हथियार आतंकवादी हमले के लिए सप्लाई करवा रही है? आखिर तालिबानी आतंकियों को अमेरिका के हथियार कौन दे रहा है? वैसे भी दिसंबर का महीना पाकिस्तान के लिए मातम वाला होता है, क्योंकि 25 दिसंबर को ही बांग्लादेश आजाद हुआ था और पाकिस्तान टूट गया था। इसके अलावा दिसंबर ने इसलिए भी पाकिस्तान को बहुत दुखी कर दिया है, क्योंकि इसी दिसंबर में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है। दिसंबर के महीने में ही कुछ और आंकड़े आए हैं जिसने पाकिस्तान के जख्मों को हरा कर दिया है। अगर महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा महंगाई है। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स नाम की एक एक्स अकाउंट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वेनेजुएला में है, 318%। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा महंगाई लेबनान में है, 215%। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है, जहां पर 143% महंगाई है। चौथे नंबर पर सीरिया है, जहां पर 79% महंगाई है। पांचवें नंबर पर तुर्की है, जहां पर 62% महंगाई है। छठे नंबर पर ईरान है, जहां पर 39% महंगाई है। सातवें नंबर पर इजिप्ट है, जहां पर 35% महंगाई है। और आठवें नंबर पर पाकिस्तान है, जहां पर 29% महंगाई है। यानी पाकिस्तान पहले से ही बहुत ज्यादा बेहाल है, और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी मीडिया पर काफी दबाव बना के रखा है, जिसके चलते पाकिस्तानी मीडिया सेना की नाकामयाबी यानी सेना पर हुए आतंकवादी हमलों को वहां के न्यूज चैनल काफी कम कवरेज दे रहे हैं। और ये बात कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान की पत्रकार आलिया बता रही है। यहाँ पे तो खैर जोर शोर से नहीं चल रही, बल्कि ये काफी हद तक इसको दबाए रखा गया, लेकिन अब खबरें बाहर आ रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे ले रहा है, जिसमें रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक ये खबर है कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे हुआ? पाकिस्तान के अंदर 100 किलो वजन वाले बारूद से भरी गाड़ी ने पूरे के पूरे आर्मी बेसमेंट को कैसे हिलाकर तबाह कर दिया, ये पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। ये पूरा मामला पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके के डेरा इस्माइल खान जिले का है, जहां पर दराबन नामक एक पुलिस थाने में पाकिस्तान की फौज ने अपना ऑपरेशनल बेसमेंट बना रखा था। दराबन का ये पूरा इलाका तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक जिहादी पाकिस्तान नामक आतंकवादी संगठनों का गढ़ बना हुआ है। इसी वजह से पिछले एक महीने से लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की फौज जमी हुई है और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। लेकिन आधी रात यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हो गया और इस हमले में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। एक ट्रक के अंदर 100 किलोग्राम हाई ग्रेड यानी उच्च स्तरीय विस्फोटक भरा हुआ था और इस विस्फोटक से भरे हुए ट्रक ने आर्मी के बेसमेंट पर जाकर टक्कर मार दी। इस टक्कर में आर्मी बेसमेंट के 3 कमरे पूरी तरह से ढह गए।
इन तीन कमरों के मलबे में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक दब गए। हमला करने वाले आतंकवादियों की संख्या 5 से 6 बताई गई। इन हमलों के साथ साथ आतंकवादी पाकिस्तानी आर्मी के शिविर पर गोलीबारी भी कर रहे थे और इस गोलीबारी में भी पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार दावा कर रही है कि पाकिस्तान के करीब 25 सैनिक आतंकवादी हमले में मारे गए हैं और 35 सैनिक हमले में घायल हुए हैं। लेकिन तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जिसने आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है, उसका साफ साफ कहना है कि उसके हमले में पाकिस्तान का 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए। लेकिन पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए नुकसान को कम करके बता रहा है। दरअसल आजकल पाकिस्तान के अंदर पूरा खूनी गदर मचा हुआ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान और तहरीक जिहाद पाकिस्तान का कहर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पर टूट रहा है। इसलिए पाकिस्तान की सेना यहां ऑपरेशन चला रही है और दराबन इलाके में ही पाकिस्तान की सेना ने 17 आतंकी सोमवार और मंगलवार को मारे थे, जिसका बदला तालिबान ने सुसाइड अटैक से लिया है। दरअसल जब से अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आई है, तब से ही तालिबान सरकार सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रही है। फाटा और पेशावर समेत कुछ इलाकों को लेकर तालिबान लड़ाकों का मानना है कि ये उनके इलाके हैं और ऐतिहासिक तौर पर भी ये इलाके पहले से उनके पास ही थे। यही कारण है कि इन इलाकों को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जो थर्मल स्कोपिक हथियार छोड़ गया था, उसी से पाकिस्तान के सैनिकों को मारा गया है। पाकिस्तान में ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहा है। दरअसल जब अमेरिका अफगानिस्तान से रवाना हुआ था, तो उसने भारी मात्रा में हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और कई सैन्य विमान भी अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए थे। अब सवाल उठ रहा है कि अगर इस तरह की भारी भरकम साजो सामान और हथियारों के इस्तेमाल से आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हमला करते हैं, तो इससे पाकिस्तान के अंदर तबाही मच सकती है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान की स्थापना फरवरी 2023 में हुई है। ये आतंकवादी संगठन भी मूल रूप से तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन का ही एक हिस्सा माना जाता है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य पूरे पाकिस्तान में शरीयत लागू करना है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान का नाम 3 नवंबर 2023 को भी पंजाब के मियांवाली एयरबेस पर हुए हमले में सामने आया था। उस वक्त पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि पाकिस्तान के सिर्फ 3 विमानों को नुकसान पहुंचा है और उसके किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई। लेकिन बाद में ब्रिटेन की एक संस्था लंदन किंग्स कॉलेज वॉर स्टडी डिपार्टमेंट की सदस्य आयशा सिद्दीका ने दावा किया कि पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के आतंकियों ने 3 नवंबर के हमले में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उड़ा दिए थे और पाकिस्तान के 35 जवान भी मार दिए थे। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जनता के सामने अपनी नाकामी का सच छिपाने के लिए झूठ बोला और नुकसान को कम से कम करके बताया। फिलहाल स्थिति ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच अब तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर लगातार ये सवाल उठा रही है कि आखिर तहरीक जिहाद पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में आतंक मचाने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जवाब में अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि ये दोनों आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि वो इन दोनों आतंकवादी संगठनों से बातचीत करे। यानी अगर देखा जाए तो एक बार फिर से पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से घिर गया है। जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जैसे खूंखार संगठन को पालने पोसने में मदद की थी, वही तालिबान अब पाकिस्तान को अपने दुश्मन की तरह मानकर उसे तबाह करने में जुट गया है। पाकिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की सरकार में मूल रूप से फर्क विचारधारा का है।
दरअसल पाकिस्तान की तालिबानी सरकार पूरी तरह से शरीयत पर चलती है, जबकि पाकिस्तान में शरीयत को आज भी सख्ती से नहीं लागू किया गया है और ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह शरीयत को लागू करना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों के बीच तनाव की एक और बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफगान शरणार्थियों का मुद्दा भी है। पाकिस्तान के अंदर अभी लाखों की संख्या में अफगान शरणार्थी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इन सभी अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर करने का अल्टीमेटम जारी कर रखा है। पाकिस्तान को लगता है कि इन्हीं अफगान शरणार्थियों के बीच से ही आतंकवादी हमलावर निकलते हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि अफगान शरणार्थियों के समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान का निर्माण ही आइडिया ऑफ इस्लाम पर हुआ है तो आखिर वो अफगानी मुसलमानों को अपने देश से भगाना क्यों चाहता है। यानी इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान के अंदर कोई एकजुटता अब तक नहीं बन पाई है।